लव जिहाद अभी भी है, और अब जिस तरीके से मीडिया का रोल आ रहा है उन बच्चियों के लिए जो घर से भाग के जा रही हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनपे क्या कहना है आपका? मुझे बड़ी शर्म आती है मीडिया की एक महिला एंकर पर, उसको मैं बहुत अच्छा मानती थी, लेकिन एक सप्ताह से जो लड़की घर से भाग गई, माँ बाप की नाक कटाई, केवल वही न्यूज हर टीवी चैनल पर देख कर के मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, कमाल हो गया। अरे एक लड़की ने जिसने नाक कटाई उसको तो पूरी मीडिया चैनलों पर चल रहा, घंटों घंटों चल रही उसके, उसको लाइव बिठाया जा रहा है। लेकिन कभी मैं उस महिला एंकर से कहूंगी, विशेषकर जिन महिलाओं के साथ में हलाला होता है, उन महिलाओं को बैठाइए लाइव, उनके सोहर को बिठाइए और उनके ससुर को, अब्बू को बिठाइए, जिन जिन के उन महिलाओं के साथ जो जो हलाला करते उनको बैठाइए लाइव, डिबेट कराइए। ये भी तो दुराचार है ना, इस दुराचार के प्रति क्यों मुंह नहीं खोल रही है मीडिया? वो महिला एंकर जरूर इस पर विचार करे, उस पर भी चिंतन करे, और नहीं तो कहेगी अब वो साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान। ये विवादित नहीं है, ये सच्चाई है। केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में एक भागी हुई लड़की को पूरा दिन टीवी पर चलती है वो, मुझे शर्म आती है। समाज को कुछ नहीं मिलना, कितनी लड़कियों के स्कूल छूट गए उस लड़की को देख करके, माँ बाप डर गए, कितनी बच्चियों को घर बैठा लिया। ये एंकर नहीं समझती, इसलिए इनको सोचना चाहिए टीआरपी के चक्कर में केवल घर से भागी हुई लड़की का साथ न दे, उनका साथ दे जो मेहनत करके गोल्ड मेडल देश के लिए, देश का नाम रोशन करके गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है। अच्छा भाई, उन आपके बारे में आपने कहा था, अगर वो कुछ कर लेते तो मीडिया होगी निश्चित रूप से। इतना बवाल मचा हुआ मीडिया ने, मेरी बात हुई उस परिवार में, भाई से बात हुई, भाई फपक फपक करके रो रहा, कितना प्यार बहन को करता था, एक बाप उसके कलेजे का टुकड़ा, और आज उसकी नाक कटाई तो उसे बेहद वो डिप्रेशन में है पूरा परिवार। और अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो ये मीडिया जिम्मेदार होगी इसकी, मैं कहती हूँ, सरेआम कह रही हूँ। आपने अभी संस्कार के लिए भी बात की थी कि धार्मिक के साथ साथ संस्कारी भी अपने बच्चों को बनाएं, उसके लिए लड़कियों को भी आपने कहा था, क्योंकि लड़कियों को अच्छी शिक्षा, एक माता पिता से अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकता, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहती हूँ कि देखो पहली गुरु तो माँ है, और इसीलिए माँ को संस्कार, अच्छे संस्कार देने चाहिए बेटियों को, ये जरूरी भी है। हमारे यहाँ पहला इतिहास पूरे देश में धार्मिक भी और सामाजिक भी, सारे संस्कार माताएं देती थी, माताओं को अपनी बेटियों को संस्कार देने चाहिए। मैं कह रही हूँ कि सरकार, सब लोग कहते हैं संस्कार, सरकार बहुत अच्छी है, सरकार कानून बनाती है, संस्कार देने का काम माँ करती है, बहन करती है, बेटी करती है, वो जरूरी। तो कहीं ना कहीं जो है केस हो रहा है ना परिवार की भी, कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, मैं समझती हूँ कि परिवार में जहाँ संस्कार होते, कई बार प्रारब्ध भी होते हैं, परिवार में तो होते हैं संस्कार, जरूरी है। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर के लिए आपने कहा था छोड़ने के लिए। हाँ, वेस्टर्न कल्चर यही तो है, माँ बाप की नाक कटा के चली गई वो लड़की, और उसको हम इतनी हवा देते जा रहे, हवा देते जा रहे, एक दिन सुसाइड के लिए माँ बाप को हम तैयार कर रहे हैं, यही तो वेस्टर्न कल्चर है और क्या है।